इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कोरोना वायरस से जो इतना फियर जनरेट हो रहा है अपनी डेथ का, अपने फैमिली वालों की लाइफ को लेके जो हम कंसर्न है, उस फियर को कैसे डील करें, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपसे बात करूंगा इसकी पैनिक की वजह से या पैंडमिक की वजह से जो दुनिया भर का फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, लोग डरे हुए हैं मार्केट के अंदर कि यार मार्केट डाउन हो जाएगा, बिजनेसेस गिर जाएंगे, कहीं मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, या मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करूंगा, इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल लाइफ की बात करता हूं। जिस दिन, याद कीजिए, मोदी जी ने आपसे बोला लॉकडाउन के बारे में, या आपको समझ में आया कि लॉकडाउन होने वाला है, उस समय आपके दिमाग में क्या विचार आए थे मनी को लेके, फाइनेंस को लेके, किस किस तरीके के एक्सपेंसेस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहे थे, है ना। मैं अपने दिमाग में थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ आपको। जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन होगा, मेरे दिमाग में आया यार मुझे एक ऑडी लेनी थी यार, एक बहुत बढ़िया BMW लेनी थी, फटाफट से जाता हूँ, भाग के ऑडी लेके आता हूँ, नंबर वन थॉट। नंबर टू थॉट आया कि यार अरमानी और गुच्ची के कपड़े चाहिए मुझे बहुत सारे, उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। नंबर थ्री, वो जो आईफोन आता है आज की डेट में लेटेस्ट मॉडल, या कुछ वॉचेस वगैरह, ये मुझे लेके रख लेनी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है। क्या आपको लगता है 1% भी ऐसा थॉट आया होगा, ना केवल मेरे मन में, पूरे इंडिया के किसी के इंसान के अंदर? नहीं, ऐसा थॉट नहीं आया। वैसे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ देखता हूँ, मैं लोगों की नॉर्मल लाइफ देखता हूँ, पूरी दुनिया इन चीज़ों के पीछे भाग रही है। इस लॉकडाउन से 10 से 15 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, अब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। और दूसरा रियलाइजेशन मुझे ये हुआ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग से क्रिएटेड हैं, ड्रामा है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं नहीं, इतना नीड है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, हमारी बड़ी बड़ी इच्छाएँ। मुझे एहसास हुआ कि जो मान लीजिए मेरे मंथली एक्सपेंस 1,00,000 रुपए के होते थे, आज की डेट में मैं 20,000 रुपए में भी सरवाइव कर सकता हूँ। जो मस्ट एक्टिविटीज़ है ना, जैसे फूड, वाटर और फ्यूल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें ही ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जीने के लिए। प्लस ये जैसे मैं अपने विलेज के अंदर हूँ, अपने खेतों के अंदर हूँ, ये पूरा का पूरा नेचर। तो ये अगर चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, अगर आप नेचर में हैं, तो आप 20% एक्सपेंस जो हैं, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी जीने के लिए, उसके सहारे भी आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जैसे कि मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे किसी गाड़ी, किसी घर, किसी बड़े अच्छे क्लोज की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही। मेरी इनकम अगर थोड़ा सा कम भी हुई, या मेरे आने वाले टाइम में बिजनेस में प्रॉब्लम भी आई, तो मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार मेरी तो ज़रूरतें इतनी हैं, बाकी तामझाम मैंने इतना कर रखा है। ये मैं आपके लिए भी मैसेज दूंगा कि अगर आपको रियलाइजेशन हो गया यार सिर्फ इतना ही तो चाहिए, यार खाना पीना होना चाहिए, बाकी तो ज़िंदगी जीने के लिए मेडिटेशन करो, नेचर में जाओ, तो आप इस बुरे टाइम को भी पीसफुली निकाल सकते हैं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो। नंबर टू पॉइंट, मैंने बोला डेथ के बारे में लोग बहुत डरे हुए हैं। शुरुआत में जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि यार डेथ रेशो क्या है, देखा चाइना के अंदर 2% है, मतलब ईरान के अंदर 10% है, या इटली के अंदर 5% है। तो जैसे जैसे मैं डेथ रेशो देखता था, वैसे वैसे मेरा फियर का ग्राफ ऊपर जाता था, वैसे वैसे मेरा फियर का ग्राफ नीचे आता था। ज़्यादा डेथ रेशो हो रही है तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सब लोग डर रहे हैं आसपास के, कम डेथ रेट है तो आदमी कहता है नहीं यार इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक फियर का माहौल है पिछले 15-20 दिन 25 दिनों से। मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, वो रियलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वो हो जाए तो आपका फियर भी चुटकियों में गायब हो सकता है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं पैंडमिक चल रहा है, पैंडमिक आ गया है, अभी पिछले 25-30 दिनों से पैंडमिक चल रहा है। पैंडमिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पैंडमिक अभी शुरू हुआ है? ये गलत फहमी है, ये पैंडमिक आज से नहीं, ये हजारों सालों से चल रहा है, हर रोज चल रहा है, हर वक्त चल रहा है, समझिएगा मेरी बात को। बर्थ इतनी
चीज़ें यहाँ पे बर्थ लेती हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे इंसान हैं, इतनी चीज़ें बर्थ ले रही हैं। इमेजिन कीजिए कि उनमें से किसी की डेथ ही नहीं हो रही है, पूरे प्लेनेट के ऊपर ना एक इंच भी जगह नहीं होती रखने की, कुछ भी पैर रखने की। सो डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ नंबर वन, और जो चीज़ भी बर्थ हुआ है जिस चीज़ का, उसका डेथ रेशियो अगर आप देखेंगे 1% नहीं है, 2% नहीं है, 10% नहीं है, 50% भी नहीं है, 99% भी नहीं है, बर्थ का डेथ रेशियो 100% है। सो जो चीज़ पैदा हुई है उसकी डेथ होना कंपलसरी है। अब बहाने कुछ भी हो सकते हैं, आजकल कोरोना का नाम चल रहा है, वैसे तो 50 तरीके की बीमारियां अगर आप रूटीन में कैलकुलेट करना शुरू करते तो हर रोज लाख, 2 लाख, 5 लाख आदमी की डेथ हो रही है। पर टीवी में जब नंबर आता है ना, ये 10 मर गए, ये 100 मर गए, ये 150 मर गए, तो वो फियर जनरेट होता है। मैं कहता हूँ फियर आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फियर में रहेंगे तो घर में रहेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, प्रिवेंशन लेंगे। अगर आपने प्रिकॉशंस ले लिए, आपने मास्क लगा रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, अपने घरों में हैं, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फियर इतने के लिए ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अगर आप टीवी न्यूज़ देखेंगे आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपकी फैमिली के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और 50 तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि पैंडेमिक हर समय चल रहा है, बर्थ का डेथ रेशो हर समय 100% होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, है ना। तो रिलैक्स होकर रहिए, ये जो टाइम है उसको पीसफुली जाने दीजिए। अगर आप रजिस्ट करेंगे, अरे मैं घर में क्यों बैठा हूँ, मुझे ये नहीं करना, आपका घर आपको घर नहीं लगेगा, आपको लगेगा जेल। अगर आप एक्सेप्टेंस ले आएंगे, यार चलो ठीक है 21 डेज, मान लो 2 मंथ्स, ठीक है घर में हूँ, एक्सेप्टेंस में आ गए, तो ये टाइम आप पीसफुली निकाल सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी में जा सकता है, कुछ लर्निंग में जा सकता है, कुछ ग्रोथ में जा सकता है, या यही 2 महीने डरने में, लड़ने झगड़ने में, घबराने में भी जा सकते हैं। सो इस समय का सही यूटिलाइजेशन ही होगा लर्निंग पर, ग्रोथ पर। फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया, 20% एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं उनके ऊपर भी हम लोग बड़ी अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये 2 पॉइंट्स फियर और मनी के बारे में बात की है। आपके आसपास के फैमिली फ्रेंड्स भी बहुत घबराए हुए हैं, उनके पास भी बहुत स्ट्रेस है, अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे उनकी लाइफ में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच।